अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कह रहे हैं जी, व्हेन शुड आई यूज़ पीसीए, यानी पीसीए जो का जो एल्गोरिदम है ये हमें कब यूज़ करना चाहिए। तो कहते हैं, डू यू वांट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स बट आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स टू कम्प्लीटली रिमूव फ्राम कंसिड्रेशन। यानी कहते हैं कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि पीसीए का जो बेसिक यूज़ है वो है डायमेंशंस रिड्यूस करना, किसी भी डाटा सेट का कि डायमेंशंस को रिड्यूस करना। तो अब डायमेंशंस बेसिकली किस चीज़ की हैं? फीचर स्पेस की हैं। अब फीचर स्पेस में क्या है, या स्पेस विच कंटेन्स फीचर्स, और हर फीचर को एक स्पेसिफिक वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और तमाम फीचर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इसी तरह फीचर से मुराद, जैसे मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, देखें कलर अगर मेरा वाइट है, ठीक है, जो हाइट है वो यानी आप कह सकते हैं टाल है, यानी फीचर्स है ना इंसान के, ठीक है। तो जो हमारी ड्रेसिंग है वो ब्लैक कह लें, या शूज़ का कलर ब्लैक कह लें, यानी मुख्तलिफ फीचर्स हैं किसी भी आप बॉडी के ले सकते हैं, किसी आप इकोनॉमी के ले सकते हैं, किसी कंट्री के ले सकते हैं, किसी घर के फीचर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अब उसमें यह है कि हम ये कहते हैं कि हमने फीचर्स को रिड्यूस करना है। तो उसमें कह रहा है कि डू यू वांट टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को रिड्यूस करने से मुराद ये है कि आप उस स्पेसिफिक जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसमें से कोई जो आपका टास्क है, अगर फर्ज करें उसमें 5 फीचर्स हैं, लेकिन आप उसमें से ज़रूरत के सिर्फ 3 फीचर्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसको यूज़ करके डाटा को एनालाइज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फीचर्स रिड्यूस करेंगे। तो मतलब ये कि आप वेरिएबल्स को रिड्यूस कर रहे हैं, कि अगर आप नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स को किसी भी डाटा सेट के अंदर कम करना चाहते हैं तो ये कह रहा है कि पीसी या फिर आपको यूज़ करना चाहिए। लेकिन वो ये कह रहा है कि आपको ये पता नहीं चल रहा कि हमें कितने वेरिएबल्स को और कौन कौन से वेरिएबल्स को रिड्यूस करना चाहिए, या कौन कौन से फीचर्स को एलिमिनेट करना चाहिए। और दूसरा कंडीशन कह रहा है, डू यू वांट टू एंश्योर योर वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन एंड अदर। यानी आपको जैसा बताया कि लीनियर अलजेब्रा में तमाम वेरिएबल्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके तमाम वेरिएबल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हों तो फिर आपके लिए ये एक अच्छी चॉइस है। और थर्ड पॉइंट में कहता है जी, आर यू कंफर्टेबल मेकिंग योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेस इंटरप्रेटेबल। यानी कह रहे हैं कि आप इस चीज़ से मुतमिन हैं कि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो लेस इंफॉर्मेटिव हैं, यानी इंटरप्रेटेबल के अगर आप मीनिंग देखें तो कहता है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्शन, एक्सप्लेन एंड क्लैरिफाई। बात यह है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अगर वो लेस इंफॉर्मेटिव भी हैं, उनका जो इंफॉर्मेशन है वो कम डिलीवर कर रहे हैं, तो तब भी आप सेटिस्फाई हैं, कम्फर्टेबल हैं इससे। तो फिर वो कहता है, इफ़ यू आंसर्ड येस, अगर तो आप इन तीनों पॉइंट्स से सेटिस्फाइड हैं, अगर आप इन तीनों पॉइंट्स के लिए आपका आंसर येस है टू ऑल 3 क्वेश्चंस, देन पीसीए इज़ गुड मेथड टू यूज़। तो फिर पीसीए आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इफ़ यू आंसर्ड नो टू क्वेश्चन 3, यू शुड नॉट यूज़ पीसीए। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नो में दिया, यानी आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो मोर इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, उनमें फुल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, तो फिर वो कह रहा है कि पीसीए आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो ये थी कि इस वीडियो में हमने ये देखा कि हमें किस वक्त पीसीए यूज़ करना चाहिए। मकसद ये है कि पीसीए को हमें उस वक्त यूज़ करना चाहिए जब हमने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ़ फीचर्स को रिड्यूस करना है, जिसको हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन के नाम से जानते हैं। और ये कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो तमाम के तमाम इंडिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे से, और अगर हमारे वेरिएबल्स लेस इंफॉर्मेटिव हैं, अगर कुछ डाटा हमारा लॉस भी होता है तो तब भी हम कंफर्टेबल हैं इसके साथ, तो फिर हम पीसीए हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।